आज पूरा रुकने का प्लान इन वादियों में बन चुका है, माँ गंगा के किनारे। और हम अपना टेंट लगाने जा रहे हैं इधर इस साइड पे। और चलिए, ये वाला वीडियो भी आप लोगों के सामने बहुत जल्द आने वाला है। हम लोगों को ठंड ज्यादा लग रही थी तो भैया ने कहा चलो आग जलाते हैं और आप लोग थोड़ा सा आग सेक लो, उससे थोड़ा आप लोगों को सुकून मिलेगा। देखते ही देखते गीली लकड़ियों ने एकदम शानदार आग पकड़ ली और हमारी जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि ये आग किस लकड़ी से है। शुरू करते हैं अपना टेंट लगाना, आइए देखिए थोड़ी देर। हम लोग अरसिल से लमसम 25-30 किलोमीटर चल के, और यहाँ पर भैया लोग रहते हैं। जैसे आप लोग भी है घूमने फिरने वाले, ये लोग मतलब वो हम लोग तो जैसे एक जाएंगे भी तो एक दो दिन के लिए जाएंगे। हाँ। तो घूमने फिरने वाले तो एक दो दिन के लिए ही जाते होंगे ना। हाँ, अब वो जो जाएगा फिट फोर करके जाएगा अपना सामान। हाँ। सामान फिट करके जो है चलेगा, टेंट वगैरह लेके जाएंगे। हाँ। लेबर ले जाएगा अपने साथ में, राशन पानी सब जो भी हुआ सब फिट करके। 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, जो भी घूम के आ गए। पर ऐसे नीचे से देखने में पहाड़ लगता है कि ऊपर चोटी चोटी होगा, पत्थर पत्थर होगा, लगता ही नहीं कि ऊपर मैदान होगा पहाड़ों पे। हाँ, नीचे से तो ऐसे ही लगता है, अरे कुछ नहीं है, वहीं जाने से पता चलता है कहाँ से कहाँ। ऊपर तो घूमते घूमते बहुत टाइम लगता है। अच्छा, ऊपर पानी की व्यवस्था कहाँ से होती होगी? पानी तो पानी है। अच्छा, झरने बह रहे होंगे। अरे पानी तो पानी है, पानी की नहीं है दिक्कत, दिक्कत खाली लकड़ी की। हमने सुना कि उत्तराखंड में पानी और बिहार का दूध दोनों एक बराबर है। बिहार में दूध पी के भी आदमी रह सकता है, उत्तराखंड में पानी पी के भी काटा काटी जा सकती है, मतलब दो एक आदमी की हो सकता है। ऐसा नहीं है, तो कुछ लोगों ने कहावत, एक दो लोगों ने कहावत बोल दी होगी, ऐसा थोड़ी। ये कहावत ही है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ रियलिटी है, बट कुछ ना कुछ तो इसमें बात होगी कि उत्तराखंड का पानी मशहूर है भाई, हर जगह मिलता है, देवभूमि है। हाँ भाई, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप दोनों पे हो, मतलब आप तो बहुत बुग्याल घूमे होंगे। सारे घूम रखे। अच्छा, दो चार के नाम बताएंगे इधर के। यहाँ तो अवाना लग गया,
अमान्या ये रह गया, फिर ये माल अलग गया पार। अच्छा पाल दे साइड से माला, और उसके पीछे लग गया ये छोलमी वालों का जंगल, छोलमी जंगल वालों का। अच्छा वहाँ क्या बोलते हैं इसका नाम गोपयार और चांदू सूर्या म्याणिया और डुड्डू और तब गया लुदुगैर, तब गया कहाँ लुदुगैर के बाद यहाँ क्या बोलते हैं गंगोत्री सामने से वो नाला आता है केदार गंगा, केदार गंगा लास्ट बस नीलांग नहीं किया खाली बॉर्डर में। अच्छा नीला को चाइना बॉर्डर, हाँ चाइना बॉर्डर में, उसमें नहीं जा रहा और सारे जा रहे। तो उधर मतलब परमिशन नहीं मिलती क्या? हाँ बिना परमिशन को वहाँ बंद कर देंगे आदमी, जिसके पास परमिशन नहीं होगा पकड़ जाएगा। अच्छा नहीं परमिशन लेके आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं? हाँ, हाँ। परमिशन अपने पास है जा सकते हैं, परमिशन चेक होता पर आप है। लोग तो लोकल हैं, आप लोग तो जा ही सकते हैं? ना ना नहीं देते जाने, लोकल हो कोई हो। तो कोई सबसे नजदीक बुग्याल कौन सा है जिसमें हम लोग मतलब एक दो दिन में अपना पूरा करके लौट आए? ये धराली वाला जंगल है, धराली जंगल वाला, धराली का जंगल गोपयार में, उसी पार इस साल हमारी बकरी थी, वही थी हमारी बकरी, उसमें जो आप जो है एक दिन में बुग्याल में पहुंच जाएंगे ऊपर, दूसरे दिन वापस आ जाओ। हाँ दूसरे दिन वहाँ घूम घाम। अच्छा ये अभी दयारा बुग्याल वगैरह में यहाँ पे लोग रहते होंगे ऊपर? हाँ। अपने जानवर लेके गए होंगे? हाँ जाते वहाँ पाल्टी पुल्टी जाते रहता सारे घूमने वाले, घूमने वाले लोग सारे जाते, गाइड वगैरह। हाँ गाइड वगैरह। तो दादा आप लोगों की जीवनी कैसे चलती होगी, मतलब जैसे मैदानी क्षेत्रों में है कि कंपनी है फैक्ट्री है, लोग जॉब कर रहे हैं उनसे पैसे मिल जाते हैं। हाँ, हाँ। तो आप लोगों की जीवनी चलती कैसे? अब हम लोगों का खाना बनने जा रहा है तो वॉइस ओवर बात है। अच्छा और भाई एक नंबर लग रहा है यहाँ पे भैया लोगों के साथ, भैया जी देखिए बैठे हुए हैं, भैया जी भी एक नंबर हैं और खाना भी एकदम आज एक नंबर का खाने जा रहे हैं बिल्कुल भट्टी। देखिए जी क्या मजा आ रहा है यार यहाँ पे, मतलब दिल खुश हो गया मेरा यहाँ पे आके, एक नंबर भाई। बेहतरीन भैया, ऐसे वाइल्ड लाइफ जीने को मिले मजा आ जाए। हमारे लोगों की दाल हो चुकी है तैयार और इधर बनने जा रहे हैं चावल। चावल नहीं बनेगी, दाल अभी फ्राई होगी। दाल फ्राई होगी मतलब दाल तो बन गई ना, दाल बन चुकी है आप लोग देख सकते हैं। देखिए अभी इस कुकर में चढ़ने जा रहे हैं चावल, अभी दिखाते हैं भाई ऐसी लाइफ जीनी हो ना, एक बार जरूर आओ देवभूम पे और देखो। अब हमारी दाल में छौंका लगने के बाद एकदम दाल हो गई है तैयार और अब चावल बनाने की तैयारी है पूरी। बनाते हैं चावल और दिखाते हैं आपको वाइल्ड लाइफ की एक शानदार यादगार रात। लग रहा है हम लोगों का खाना क्या, और सब लोग मिलके एक साथ ही अब खाना खाना स्टार्ट करेंगे और आप लोग भी लुत्फ उठाइए। देखिए क्या भयंकर भट्टी लगी हुई है और साथ में कितना बेहतरीन खाना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है, लमसम 6 बजने जा रहा है और हम लोग उठ चुके हैं एकदम से और आइए दिखाते हैं कि अब क्या कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी भाई साहब, चाय बन रही है, चाय पी रही हूँ, टेस्ट किया है आप लोगों ने? नहीं ना, अमूल और सुधा के भरोसे हो अभी तक? अरे कुछ नया इनोवेशन करो यार, कुछ नया इनोवेट करो। बस चाय बन जाए और हम अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े, हमारी अगली डेस्टिनेशन उत्तरकाशी और फिर यमुनोत्री और चलते हैं। बस हम निकले ही थे और एक शानदार दृश्य आंखों के सामने आ गया।